तो नमस्ते दोस्तों, मैं शशि आज आपके लिए लेके आई आटे के, गेहूं के आटे के बिस्कुट बना के। और ये बिस्कुट बहुत ही अच्छे और लाजवाब बने हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये बने हुए हैं। देखिए एकदम, मैं आपको दोनों साइड से दिखाती हूँ। अच्छे से बेक हो रखे हैं ये, मैंने कढ़ाई में बनाए हैं। आप चाहे तो कुकर में, देखिए बिल्कुल अच्छे से दोनों साइड से पके हुए हैं और बहुत ही टेस्टी ये बने हुए हैं। आप जरूर इस बिस्किट को बनाइएगा। और ये मैंने कढ़ाई में बना रखे हैं गेहूं के आटे के बिस्किट, और मैंने कैसे करके ये बेक करा है, बस बहुत कम चीजों से और बहुत जल्द बनने वाले ये बिस्किट हैं। आप भी जरूर इसे ट्राई करिएगा। आइए बताती हूँ मैं इसको बनाने की विधि। देखिए आटे के बिस्किट बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। ये 1 कटोरी गेहूं का आटा और ये देसी घी। आप इसकी जगह आप मक्खन भी ले सकते हैं घी की जगह। और ये थोड़ा सा 2 चम्मच मैदा, इससे बिस्किट थोड़ा सा अच्छे हल्के बन जाते हैं। और यह है पाउडर शुगर, ये चीनी का पिसा हुआ बुरादा। आइए बताती हूँ मैं कैसे इसके बिस्किट बनाना है। आटे के बिस्किट बहुत अच्छे और बहुत सरल तरीके से बनते हैं। देखिए, और बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये घी इसमें डालना है। और ये घी को भी हमें ये चीनी के साथ फेंटना है, ये जो पाउडर शुगर है इसके साथ हमें मिलाना है। ये देखिए, अब इसे हमें अच्छा सा फेंटना है और अच्छे से मेल्ट करना है इसमें। थोड़ा सा सफेद कलर ना हो जाए जब तक। ये देखिए, ये अच्छे से फेंट लिया हमने और ये बिल्कुल व्हाइट हो गया अच्छा सा। और अब हम इसमें डाल देंगे ये 1 कटोरी आटा, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, थोड़ा बचा लेंगे। अब इसको इसमें फेंट लेंगे हम, अच्छे से मिला लेंगे। एक डो तैयार करना हमने अच्छा सा इसका। देखिए ये आटा हमने इसमें मिला लिया, इस टाइप के बनने लगे हैं गोला। अब इसमें हम इसमें ये मैदा मिला देंगे, 2 चम्मच मैदा भी इसमें अच्छे से फेंट लेंगे, मिला लेंगे। और इसमें आप चाहे तो दूध मिला सकते हो, दूध 1/2 गिलास या 2 चम्मच, जितना भी इसमें दूध पड़ेगा डो बनाने के लिए आप दूध डालिए। मगर मैं इसमें पानी ऐड करूंगी क्योंकि पानी वाले बिस्किट काफ़ी दिन चल जाते हैं तो दूध वाले बिस्किट कम दिन चलेंगे। और अब हम ये जितना आटा बचा था वो भी मिला लेंगे। और ये देखिए, अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, इसका जितनी ज़रूरत हो उतना पानी डालिए, ज़्यादा नहीं, कम ही पानी ऐड करिए ताकि इसका अच्छा सा डो बन जाए। ये देखिए, मैंने करीब 2 चम्मच पानी डाले हैं, 1 चम्मच और डालेंगे, बस इसका डो तैयार। ये देखिए डो बन के बिल्कुल तैयार हो गया। आइए अब हम इसके बिस्किट बनाते हैं। देखिए मैं इसमें ये सोडा डालना, बेकिंग पाउडर डालना भूल गई थी, आप डाल लीजिए इसमें। अब इसे अच्छे से और अच्छे से गूंथ लीजिएगा। ये देखिए बेकिंग सोडा डाला, इससे थोड़ा बिस्किट फुले फुले हल्के से क्रिस्पी और एकदम से मतलब सॉफ्ट से बन जाएंगे, जैसे बिस्किट स्वाद होता है वैसे इसमें ये बन जाएंगे। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं खुशबू के लिए, स्वाद के लिए। ये डो रेडी हो गया। देखिए गैस में मैंने ये कढ़ाई रख दी है और जब तक हम बिस्कुट बनाएंगे तब तक ये इसमें मैंने कढ़ाई फ्री हीट होने के लिए रख दी है। इसमें मैं डालूंगी नमक और ये नमक को हम इसमें गर्म होने देंगे, अच्छे से फैला देंगे। और जब तक ये कढ़ाई हमारी गर्म होती है, यानी हीट हो जाता है इसका, तब तक हम बिस्कुट के डिजाइन तैयार करते हैं। कढ़ाई को हम तब तक ढक के रख देते हैं। हम ऐसे करके एक 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 लोई लेंगे ऐसा पेड़ा करके, और इसको यूं हाथ से प्रेस करेंगे। ये देखिए गोल गोल इसी आकार से। और अब हम ये प्लेट लेंगे, इसे थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। आपके पास बटर पेपर हो तो आपको लगा लीजिएगा, बटर पेपर भी लगा सकते हैं। और मैंने कर लिया ग्रीस। अब इसे हम ऐसे रख देंगे और इसे आप
माचिस की तीली हो या टूथपिक की सहायता से, देखिए टूथपिक की सहायता से इन पे बीच में होल कर दीजिए ऐसे करके, ये होल बना लीजिए। ये देखिए बहुत ही अच्छे बिस्किट और स्वादिष्ट बिस्किट बनेंगे ये अभी, और आप सारे बिस्किट ऐसे करके बना लीजिएगा। ये देखिए ऐसे हाथ से प्रेस करके, ये देखिए, और इसको ऐसे होल कर दीजिएगा। देखिए ऐसे मैंने ये सारे बना लीजिए लिए हैं, आप भी बनाइए। आइए अब इसे बेक करते हैं। नमक की कढ़ाई हमारी हीट हो गई, अब हम इसमें एक स्टैंड रख देंगे और इसके ऊपर ये बिस्किट की प्लेट, और करीब हम इसे 10 से 15 मिनट तक इसे हम बेक करेंगे, और 15 मिनट बाद चेक करेंगे कि कितने हमारे बिस्किट पीक हो रहे हैं, फिर इसकी टाइमिंग बताएंगे कितना टाइम लगेगा। इसे अब हम ढक के रख देंगे। देखिए 30 मिनट हो गए हैं हमारे बिस्कुट को बेक करते हुए, अब देखते हैं बिस्कुट की बने नहीं बने ये बिस्किट। वाओ देखिए बिस्कुट ये हमारे बनके रेडी हो गए, और ये देखिए बिल्कुल ब्राउन हो गए पीछे से, अच्छा कलर छोड़ दिया। अब इसे हम बड़े सेफ्टी से निकालेंगे, बड़े सेफ्टी से निकालना है, और अब हम ये दूसरी ट्रे रख देंगे, और ये भी 30 मिनट तक रखना है। 25 से 30 मिनट लग रहा है बिस्कुट बेक होने में, क्योंकि मैंने पूरी टाइमिंग देखी थी, और अब इसे भी हम ये ढक के रख देंगे 30 मिनट के लिए। देखिए ये दोबारा के बिस्किट भी हम देखते हैं, सेफ्टी से निकालना है। वाओ देखिए बिस्कुट भी हमारे अच्छे से बेक हो गए हैं, और इसे भी हम और अच्छे सेफ्टी से निकाल देंगे, गैस की फ्लेम कर देंगे हम बंद। और ये देखिए बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बिस्किट बने हुए हैं, आइए अब दिखाती हूँ इनको ठंडा करके। तो देखिए दोस्तों ये बिस्कुट बनके हमारे रेडी हो गए हैं, और ये बहुत ही अच्छे, और देखिए दोनों साइड से अच्छे से कुक हो रखे हैं, अच्छे से बेक हो रखे हैं ब्राउन कलर के बिल्कुल। देखिए ये देखिए सॉफ्ट से टूट भी रहे हैं, और अच्छे दोनों इसमें फ्लेवर आया है। ये देखिए थोड़ा क्रिस्पी भी और सॉफ्ट से नेस भी अच्छे से, और बहुत ही ये खाने में टेस्टी हो रहे हैं। आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा, और लाइक सब्सक्राइबर जरूर करिएगा। धन्यवाद।